आज रेन बाजार कारपोरेटर डिवीजन के अंदर रेन बाजार अवेसी पार्क का एक इनॉग्रेशन अमल में आया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पार्क है रेन बाजार के अतराफ व अकनाफ के लोगों के लिए, जैसा SRT कॉलोनी है और अतराफ रेन बाजार के जितने भी है यहाँ पे इस पार्क से फ़ायदा उठा सकते हैं। अवेसी पार्क से यहाँ पे न सिर्फ जॉगिंग ट्रैक है, गार्डन है, उसके साथ साथ बच्चों के लिए छोटे राइड्स भी है। अल्लाह का करम है, नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत के अंदर याखुदपुरा असम्बली कॉन्स्टेंसी में रोड ड्रेनेज के अलावा दिगर चीज़ों के लिए भी तवज्जो दी जा रही है। जैसा आप जानते हैं ये तीसरा पार्क है। सबसे पहला पार्क जो था वो दाराबजन कॉलोनी के अंदर एक खूबसूरत पार्क और ओपन जिम बनाया गया। दूसरा जो पार्क था वो पार्क बड़ा बाज़ार के पास में सालार पार्क के नाम से बनवाया गया है। ये तीसरा पार्क है जो रेन बाज़ार में अवेसी पार्क के नाम से बनाया गया है। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ नौजवान बुज़ुर्ग बल्कि मेरी माँ और बहनों इससे फ़ायदा उठा सके, ताकि आज सेहत बहुत ज़रूरी हो गई है। सेहत के लिए आपको और हमको जो भी डॉक्टर करने जाते हैं उन्हें कहता है कि वॉक करना बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस रहने की वजह से लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हम लोग जाकर कहाँ चहलकदमी करेंगे, इसीलिए बनाए जा रहे हैं। मैं यहाँ के मुकामी कारपेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब को मुबारकबादी देता हूँ, उनके फादर वसीम साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सबका रोल है। याखुदपुरा कॉन्स्टेंसी अगर डेवलप हो रही है तो इसके अंदर हर इंसान का अपना कंट्रीब्यूशन है, न सिर्फ पार्टी के वर्कर का बल्कि यहाँ की आवाम का भी बहुत बड़ा ताउन है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आइए चलिए आप हम मिल के याखुदपुरा असम्बली कॉन्स्टेंसी को एक अच्छी डेवलपमेंट कॉन्स्टेंसी बनाने की न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि इसको मुकम्मल करने की भी पूरी तो कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह सुबहानहु ताला ज़रूर बज़रूर हमारी मदद करेगा और इस याखुदपुरा असम्बली कॉन्स्टेंसी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बज़रूर दिखेगा। मैं फिर एक मरतबा तमाम मीडिया के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल्स भी मौजूद है। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूँ आप हमारा साथ देंगे डेवलपमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जो बस्ती दवाखाना है या अर्बन हेल्थ सेंटर है, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए बराबर चलते रहेंगे। बल्कि अकबरुद्दीन अवेसी साहब इलेक्शन से पहले यहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल का परमिशन भी लाए हैं, इंशाल्लाह उसकी भी तामीर बहुत जल्द से जल्द SRT कॉलोनी में शुरू की जाएगी। और बराबर हम न सिर्फ सेहत के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में भी हम दिलचस्पी रखते हैं और आगे बढ़ के इसका काम कर बताएंगे। हमारा काम ही हमारी पहचान बन के रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।